ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 10.4 बेटा. हमारे पास जो है एक्सरसाइज 10.4 पे जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटन इन द थर्ड क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप. दैट मींस आई कैप का मतलब है यहाँ पर वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, क्योंकि आई कैप जो है बेसिकली इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है मेरे पास. तो दैट मींस कि मेरे पास यहाँ पर बोला गया कि इट मेक्स पाई बाय 3 विद आई कैप एंड पाई बाय 4 विद जे कैप एंड इट इज रिटन दैट एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप. तो इसका मतलब बेटा मेरे पास यूनिट वेक्टर ए के जो है वो डायरेक्शन को साइंस मुझे पता लग सकते हैं. कैसे बेटा, देखिए आपको पता है डायरेक्शन को साइंस जो है ना एंगल, और वो एंगल मुझे दिया हुआ है बेटा दैट इज पाई बाय 3. नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस ऑफ एन एंगल पाई बाय 4 और लास्ट में दिया हुआ है एन एक्यूट एंगल थीटा. तो दैट मींस आप हम यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा लिख दें, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं, कॉस ऑफ एन एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो ये मेरे पास दे दिए कि डायरेक्शन को साइन है. तो दैट मींस एक वेक्टर फिर क्या बन जाता है, कॉस पाई बाय 3 आई कैप, cos pi by 4 j cap and cos theta मेरे पास है k cap. और मुझे ये क्या दिया हुआ है, it is given to me this is a unit vector. अगर ये unit vector है तो 100% इसके coefficients का square करूं और add करूं तो वो 1 के equal होना चाहिए. तो that means according to question मेरे पास जो है cos square pi by 4 plus cos square पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. यहां से बेटा कॉस थीटा की हम लोग जो है वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. मेरे पास जब यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो मेरे पास 1/2 आएगा. तो दैट मींस आई विल गेट हियर कॉस थीटा एज जो है बेटा प्लस माइनस 1/2. ओके बेटा, इन द स्टेटमेंट इट इज मेंशन दैट द थीटा इज अ एक्यूट एंगल. अगर थीटा एक्यूट एंगल है बेटा तो 100% नेगेटिव वैल्यू नहीं ना हो सकती है. तो दैट मींस मेरे पास जो है तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 1/2. और थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 पे. तो दैट मींस पाई बाय 3. अगर यहां पर थीटा पे कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं होती तो हमें दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट करते, बट क्योंकि यहां पर लिखा था कि थीटा जो है वो मेरे पास एक्यूट एंगल है तो दैट मींस नेगेटिव आंसर उसका नहीं हो सकता ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, 0 to 90 के बीच में. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो 100% है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा पॉजिटिव ही रहता है. दैट्स व्हाई मैंने नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया. ओके बेटा, क्लियर, चलिए आगे. हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, शो दैट ए माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 A cross B in the question 4. तो बेटा मैंने ये प्रूफ करना है A minus B vector cross A plus B vector 2 times A cross B. बेटा ऐसे क्वेश्चंस को आप दो मेथड से कर सकते हो, एक आप कंपोनेंट फॉर्म में ले लीजिए, दूसरा आप सिंपल ब्रैकेट्स को बेटा ओपन कर सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. तो हम सिंपल जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. जब मैंने ओपन किया, अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता ना
तो सीधा ही मैंने आपको बताया था a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर हम लगा देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, तो मुझे ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, a वेक्टर लिया क्रॉस a प्लस बी, देन माइनस बी वेक्टर लिया क्रॉस a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, नाउ आई ओपन a क्रॉस a, देन a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a, और आफ्टर देन b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आपको पता है सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो दैट मींस हियर आई कैन राइट जीरो a क्रॉस b। अब आपको पता है अगर मैंने एक कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना होता है ना, b क्रॉस a की जगह a क्रॉस b लिखना है तो नेगेटिव आ जाता है, तो एक नेगेटिव पहले ही था मेरे पास, क्या हो गया प्लस हो गया, तो a क्रॉस b ये मेरे पास जीरो हो गया। तो बेटा a क्रॉस b, a क्रॉस b ये 2 a क्रॉस b वेक्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा यहाँ पर? हाँ जी तेगवीर, इज इट क्लियर? चंदन, तेगवीर, चंदन, सुखमन, समयंक, क्लियर? चलिए मूव टू वर्ड नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज फिफ्थ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू इफ इट इज गिवन दैट ए सॉरी 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 27 k कैप जो है क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k दैट इज इक्वल्स टू जीरो मेरे पास है। दैट इज क्या करेंगे, दो वेक्टर्स हैं दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। हाँ जी सुखमन अनम्यूट योर सेल, सुखमन अनम्यूट योर सेल बेटा। नॉर्मल में ओपन कर सकते हैं? कैसे नॉर्मल में ओपन करें बोलिए, जैसे सबके साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दें, 2i मल्टीप्लाई आई फिर आगे, फिर 2i मल्टीप्लाई बाय उसके आगे वाली टर्म्स, उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट मैम देखने दो। समयंक अनम्यूट योर सेल, समयंक जैन अनम्यूट योर सेल बेटा, समयंक अनम्यूट योर सेल बेटा। कनुभा, कनुभा बेटा अनम्यूट योर सेल, कनुभा अनम्यूट योर सेल बेटा। आंसर द क्वेश्चन हाउ यस मैम, कनुभा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ओपन करके। अच्छा कल मैंने आप लोगों को, कल आपने क्लास लगाई थी ना, तो मैंने बताया था कि अगर a वेक्टर जो है a1i plus a2j plus a3k है और b1 वेक्टर b1i plus b2j plus b3k है, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं बेटा अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो? मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी। ओके चलिए बेटा, तो मेरे पास जो है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, अगर हमारे पास एक वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर है तो हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं i j और k जो है। तो मेरे पास यहाँ 2 6 27 1 लैम्डा म्यू दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द वे
हाउ वी कैन कैलकुलेट, मेरे पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर मुझे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और मुझे दोनों के दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं तो 100% बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स हैं उनका कैलकुलेट करना है तो डिटरमिनेंट की फॉर्म से आएगा। अब इसका ओपन करें तो हमारे पास जो है आई के साथ ये गया 6μ - 27λ। नेक्स्ट जब जे लेते हैं तो बेटा नेगेटिव आएगा माइनस जे कैप, और यहां पर क्या आएगा इसका कॉलम डिलीट, इसकी रो 2μ - 27 प्लस मेरे पास जो है के और ये के गया तो मेरे पास जो है बेटा क्या आया 2λ - 6 इक्वल टू मेरे पास नल वेक्टर। अब बेटा क्लियर कट है, अगर ये नल वेक्टर है तो आई जे के कॉम्पोनेंट्स 0000 होने चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स मैं क्या करूं, दिस इंप्लाइज 6μ - 27λ इज 0, 2μ - 27 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव भी है लगाना भी है तब भी वो 0 का उधर नेगेटिव खत्म ही हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है 2λ - 6 इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज गिवन, दिस इज अ नल वेक्टर, और नल वेक्टर तभी होता है जब उसके सारे कॉम्पोनेंट जो है वो खुद अलग अलग 0 के इक्वल होते। तो यहां से मेरे पास क्या आया बेटा, लेट अस सी, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो म्यू की वैल्यू मेरे पास जो है 27/2 आई, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 3 आई। ऐसे छोड़ नहीं देना, हमने चेक करना है क्या यहाँ पर वो दोनों सेटिस्फाई करती है वैल्यू, क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो मैं क्या करूं, मैं चेकिंग करने लगी हूँ यहाँ पर, मैंने इसीलिए हेडिंग दे दिया चेकिंग। अब मैं लैम्डा 27/2 म्यू की वैल्यू पुट की और लैम्डा की वैल्यू 3 पुट की, 0 आना चाहिए। अगर मैं ये देखूं तो ये 3, देखो 27 × 3 दैट इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो दैट मीन्स ठीक है। अगर बाय चांस सेटिस्फाई नहीं करता तो आप लिखते बेटा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू एग्जिस्ट फॉर विच द रिजल्ट इज ट्रू, ओके। क्योंकि यहाँ पर वो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो इसीलिए बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके क्लियर। अब सबको पता चला कि हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको देखिए बेटा एक दिन लेक्चर ना लगाने का मींस आपको कुछ नहीं पता चल रहा, ओके चले आगे। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट, इट इज रिटन गिवन दैट ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। एक तरफ से मुझे वो क्वेश्चन नंबर जो है 6 में दे आर राइटिंग कि ए डॉट बी जो है दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ कह रहे ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ओके। अच्छा आप मुझे बताइए अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। ए क्रॉस बी का मैंने कल बताया था, ए डॉट बी का हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ जी, हु इज एबल टू टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड और अनम्यूट योर सेल्फ टू टेल मी कि यस रसिका, रसिका अनम्यूट योर सेल्फ। रसिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम, आप मुझे बताइए ए डॉट बी जो कि इक्वल होता है तो क्या कंक्लूड करते मैम, या ए जीरो है या बी जीरो है।
या ए जीरो या बी जीरो या फिर cos cos थीटा की वैल्यू 90 है। यस यस बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि अगर ए डॉट बी जीरो को इक्वल है तो हम कहते हैं आइदर ए इज अ जीरो वेक्टर और बी इज अ जीरो वेक्टर और ए जो है वो परपेंडिकुलर टू बी, ये हम कंक्लूड करते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट दिया। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कल किया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो आइदर ए इज जीरो वेक्टर और बी इज जीरो वेक्टर और ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अब दोनों कंडीशंस होनी चाहिए ना, एंड लिखा हुआ कि ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है, तो 100% दोनों में कॉमन क्या है? दिस इंप्लाइज कि या तो ए जीरो या मेरे पास बी जीरो। ओके बेटा, दिस इज कॉमन बिटवीन द टू जो है कंडीशन, तो हम लिखेंगे दैट मीन्स कि मेरे पास या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। ए जीरो मीन्स उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर जानबूझ के इतना लिखा ऐसे, यही गलती बच्चे करते हैं। अगर ये एक वेक्टर है ना तो ट्राई टू पुट हियर वेक्टर आल्सो, ओके, या आप लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज जीरो, या तो ये लिखिए क्योंकि एक वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर है तो 100% उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब अगर मैं लिख रही हूं ना ए वेक्टर तो ट्राई टू राइट लाइक दिस, ये एग्जैक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। हम गलती नहीं भी निकालते हैं ऐसी चीजों की, बट करेक्ट प्रेजेंटेशन यही मानी जाती है। ओके बेटा क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 7th। लेट अस सी, लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन इन द फॉर्म। अब मुझे कैसे दिए हुए 7th क्वेश्चन में, लेट अस सी जो है कि ए वेक्टर इज गिवन टू मी ए वन आई ए टू जे एंड ए थ्री के, ओके, और बी वेक्टर जो है वो बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के एंड सी वेक्टर इज गिवन टू यू सी वन आई सी टू जे और सी थ्री के वेक्टर, ओके, देन शो दैट। अब मुझे उन्होंने क्या शो करने को कहा है, लेट अस सी व्हाट दे हैव रिटन हियर। दे राइट हियर कैलकुलेट और प्रूव दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब बेटा कैसे करना है, दोनों साइड्स को हमें सॉल्व करना है। अब देखो अगर आपको ये पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं ना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू डू। सबसे पहले ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी पहले मैं बी प्लस सी कैलकुलेट करूंगी। अब बी प्लस सी कैलकुलेट करने का मतलब है दोनों वेक्टर्स को ऐड करना। कंपोनेंट फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स होती हैं तो आई आई प्लस करना, जे जे कोफिशिएंट प्लस करना, के कोफिशिएंट प्लस करना, दैट मींस बी वन प्लस सी वन आई प्लस बी टू प्लस सी टू जे प्लस जो है बी थ्री प्लस सी थ्री के। यहां तक बात समझ आ गई आपको, है ना, मैंने लेफ्ट साइड का ये इतना पार्ट सिर्फ निकाला। अब मैंने ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ, फिर वही मेथड बेटा, इफ आई वांट टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद दिस, तो मेरे पास ए क्रॉस बी प्लस सी कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास बेटा आई जे के, पहले ए के कंपोनेंट, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ए के कंपोनेंट करेंगे। अब ए के कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं तो बेटा हम कैसे करेंगे, ए के कंपोनेंट हमें पता है ए वन ए टू ए थ्री, ओके बेटा। अब मुझे क्या चाहिए, बी प्लस सी, बी प्लस सी के कंपोनेंट्स इधर लिखे हैं ना मैंने, इन्हीं को यूज करेंगे, तो यहां पर बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू और बी थ्री प्लस सी थ्री,
ठीक है जी। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए, आई ये गया और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी, तो ए टू बी थ्री, ए टू सी थ्री माइनस जो है, क्योंकि तो मेरे पास क्या होगा, दिस माइनस दिस, ए थ्री माइनस जो है ये माइनस नहीं आएगा, बी टू माइनस ए थ्री सी टू, ठीक है जी। अब अगला जे जब हम लिखते हैं तो माइनस जे आता है, सेम ऐसे ही उसी का कॉलम डिलीट कर दो, उसी का रो डिलीट कर दो, मेरे पास वो है ए वन बी थ्री, ठीक है जी, और ए वन सी थ्री माइनस, अब ये इसके साथ ए टू बी वन, ए टू सी वन बी टू माइनस, ओके बेटा। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, के कॉम्पोनेंट्स जो है साथ में चाहिए। अब आई विल राइट द कॉम्पोनेंट ऑफ के, ठीक है, लेट अस सी। जब मैंने के का कॉम्पोनेंट लिखना है तो बेटा मेरे पास जो है ये गया और ये गया, तो क्या आएगा, ए वन बी टू प्लस ए वन सी टू माइनस, इसको इसके साथ ए टू बी वन, ओके, नेक्स्ट ए टू मेरे पास जो है और सी वन, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब मेरे पास जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई जे के के, अब ये एक साइड पूरी सॉल्व हो, है ना, मेरे पास ये साइड पूरी सॉल्व हो, कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे आंसर आएगा। अब मुझे दूसरी साइड सॉल्व क्या करना है, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अब मैं ये रब करने लगी हूँ सारा ऊपर, ओके बेटा, आई नीड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब बेटा देखिए, सबसे पहले आई एम कैलकुलेटिंग ए क्रॉस बी, कैसे करेंगे हम लोग, आई जे और के, अब पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे ना, तो वो ए वन ए टू ए थ्री, बी के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री, अब सॉल्व कर लीजिए, आई के साथ मेरे पास ए थ्री ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, फिर माइनस जे वाले कॉम्पोनेंट, ओके, लेट मी शो यू प्रॉपरली जस्ट अ वेट, हाँ जी। नाउ ये जे का ये और ये क्या, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, नाउ के कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये डिलीट ये डिलीट, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। अब अगला क्या था, ए क्रॉस सी वेक्टर, ओके, करना तो वैसे ही है ना। अब ए क्रॉस सी मतलब मेरे पास आई जे के, और क्या बनेगा बेटा मेरा यहाँ पर, लेट अस सी, ए वन ए टू ए थ्री, सी वन सी टू सी थ्री मेरे पास होगा। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है क्या आएगा, आई बिल्कुल सेम ऐसा ही, सिर्फ बी की जगह पे सी वर्ड आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप देखोगे ये क्या, तो ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, देन माइनस जे ए वन सी थ्री माइनस बी वन जो है ए थ्री, यहाँ पर बी आएगा। नाउ नेक्स्ट जो है मैंने लेना था सी, सी के साथ, ओके, नाउ प्लस के ए वन सी टू माइनस सी वन ए, अब इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारा एम था ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, अब जब इनको ऐड करना, आई आई वाले कंपोनेंट ऐड करने, जे जे वाले कंपोनेंट ऐड करने, जब मैं ऐड करूंगी ए टू बी थ्री प्लस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ए थ्री सी टू, वो देखिए हमने उस साइड पे यही निकाला हुआ, ये देखिए सी है,
ऐसे ही आप ऐड करोगे तो j वाला यही कंपोनेंट बनेगा और k वाला यही कंपोनेंट बनेगा. तो दैट मींस हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड. ओके बेटा क्लियर? कोई डाउट यहां तक किसी को तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट टू एनीवन कि कोई स्टेप आपको क्रॉस पर रखकर कैसे किया है नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी. हां जी चंदन कनुबा सम्यक तेजवी क्लियर टू यू? कोई स्टेप दैट इज नॉट क्लियर टू यू यू कैन आस्क मी बेटा. सम्यक एनी प्रॉब्लम? चलिए चलिए बेटा नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर बेटा 8 फ्रॉम योर बुक. वेरी इंपॉर्टेंट इवन फ्रॉम वन मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना. तो वहां पर क्या दिया हुआ है? इफ आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो देन ए क्रॉस बी इज जीरो 100% है कि अगर ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए तो ए जो है ए क्रॉस बी जो है वो 100% जीरो के इक्वल होता है. बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू जस्टिफाई इट. ये भी कह सकते हैं इज द कन्वर्स इज ट्रू जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल. उसने कहा है कि आप जस्टिफाई कीजिए इस एग्जांपल को. बेटा ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर ए जीरो है बी जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होता ही होता है तो 100%. लेकिन कन्वर्स जो है ये ट्रू नहीं होता है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो का इक्वल है तो बेटा ए भी जीरो या बी भी जीरो ये होल्ड नहीं करता. कोई भी एग्जांपल ले लो. मैंने हमने डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसे ही किया था क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा ही कर रहे हैं. बट यहाँ पर लेने के लिए ना बहुत ध्यान से हमें लेना पड़ेगा. लेट अस सी मेरे पास जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है. अगर हम देखें तो मैंने क्या किया ए वेक्टर ले लिया. आई हैव टेकन ए वेक्टर एज आई कैप है ना. इजी एग्जांपल मैं ले रही हूँ ए वेक्टर एज आई कैप और बी वेक्टर भी ना मैंने आई कैप ही ले लिया. अब देखो ए क्रॉस बी आई क्रॉस आई सेम सेम वेक्टर जीरो के इक्वल होता है ना. बट यहां पर ना तो ए जीरो है ना बी वेक्टर जीरो नहीं है ना. नल वेक्टर नहीं है ना. तो दैट मीन हमारा कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं है. ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन नंबर बेटा 9 फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए बी सी. ये तो बेटा बहुत इजी है. मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मुझे एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर जो है 9 पे जो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है. सिर्फ मैंने एक ही बात बताई थी 1/2 ए बी क्रॉस ए सी एक ही वेक्टर से शुरू करना है ना. अब मुझे ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं सी दिया हुआ है तो मेरे पास वैल्यू है 1/2. एक सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. 1/2 2, 3, 5 और सी जो है 1, 5, 5. अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले आई नीड टू कैलकुलेट ए बी वेक्टर. अब ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? बी माइनस ए तो मेरे पास क्या आएगा 3-1 2-1 1 i कैप देन 3-1 2j कैप और 5-2 दैट मींस कि 3k कैप. अब मुझे चाहिए ए सी है ना. तो 1-1 0 खत्म. 5-1 4j कैप और 3k कैप. अब ये दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हु विल टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए बी एंड ए सी वेक्टर? Just raise your hand, hurry up. हाँ जी सुहानी unmute yourself beta. Yes ma'am. How to calculate cross product between AB and AC vector?
हम डिटरमिनेंट लेंगे. यस वी विल टेक द डिटरमिनेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आई जे के लिख के, फिर पहले ए बी के लिखेंगे, फिर ए सी के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे, और उसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे. वो एक वेक्टर आएगा. मुझे इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है. उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो और ऐड करो, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड. अंडर रूट भी लेना होता है. ओके क्लियर बेटा? ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट है बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 10th. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है हूज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय ए वेक्टर. एंड अब साइड सीधा दी वेक्टर के फॉर्म में ना, यहाँ पर हमें उसे वर्टेक्स दिए थे, तो मैंने पहले साइड्स निकाल ली थी कि साइड्स के अलोंग कौन सा वेक्टर है. अब मुझे वेक्टर दिया तो सिंपल ए क्रॉस बी यूज करूंगी मैं 10th क्वेश्चन. ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. अगेन वेरी इजी. लेट द वेक्टर ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे 3 दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मुझे रूट 2/3 दिया क्वेश्चन नंबर 11th में. तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11. मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन टू मी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट दे नीड टू कैलकुलेट दे राइट हियर. अगर ए क्रॉस बी जो है इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज मेंशन, then the angle between A and B is clear कर दिया है कि अगर A cross B जो है वो unit vector है. अगर A cross B unit vector है तो that means magnitude जो है मेरे पास only magnitude वो one होना चाहिए. यानी magnitude मतलब मैं यहाँ पर sin theta one के equal लूँगी और यहाँ से theta evaluate करूँगी. Okay बेटा clear? समझ आते बेटा? तो अब बेटा दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज. टुमारो वी विल डू वन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड टुमारो देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लास एट 8:25 इन द मॉर्निंग. बी रेडी फॉर एक्स्ट्रा क्लास. ओके टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.